वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी अज एक गद्दार दी गल करांगे जिसका नाम सी राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह नू अंग्रेजा ने पंजाब दे पहाड़ी इलाके दा जाया करके पहले ही गंड लिया होया सी। एक ढीठ गद्दार दी तरह गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह दीयां सारियां मेहरबानियां नू इकदम भुल गया अते सिख राज दे विरुद्ध अंग्रेजां दी साजिश नू सिरे चढ़ाउण लई उन्हां दा हथियार बन गया। जिवें सर हैनरी हार्डिंग ने सर चार्ल्स नेपियर नू लिख के बयान कीता सी, गुलाब सिंह ऐसा दुष्ट सी जिहो जिहा होर कोई संसार विच कदे जम्मिया ही नहीं। बादशाही तो लैके एक धेले तक वह पूरा चंडाल सी। 1846 विच हैनरी हैवलॉक ने लिखा सी कि जे किसी चित्रकार ने किसी एक चेहरे विच ही एशियाई साजिश की चौपड़वी मकारी भरनी होवे तां गुलाब सिंह नू देखदे सार अपने बनाए हुए सारे ढांचे परे सुट देवेगा अते ख्याली चित्रकारी नू छड के राव साहब दे चेहरे की मूर्त चंगी तरह खिंच लवेगा। लाहौर दे लोग गुलाब सिंह नू राव साहब कह के सद्दे सन। अंग्रेजां दी शह उत्ते गुलाब सिंह ने पहाड़ी इलाके विच इस आस नाल अपनी ताकत बनाउणी शुरू कीती होई सी कि जद अंग्रेजां ने पंजाब उत्ते कब्जा कीता तां उह अपना राज बना लवेगा। ब्रॉड फुट दे आउंदे सार जिस नू काबल की लड़ाई दे दिनां तों उह जाणदा सी, अंग्रेजां नाल साजिशां करन विच गुलाब सिंह नू होर हौसला हो गया। अक्तूबर 1844 विच गुलाब सिंह ने अपने आदमी दे हाथ एक मित्रता दी चिट्ठी भेजी ते उस आदमी ने ब्रॉड फुट नू गुलाब सिंह दी अंग्रेजां वल मित्रता दा भरोसा दवाया अते लाहौर दरबार दे विरुद्ध सहायता दी मंग कीती। जनवरी 1845 विच काबल दी लड़ाई वेले कीती सेवा दे आधार ते सरकार अंग्रेजां पासों अपने वास्ते राखी मंगण लई एक होर आदमी भेजिया। अगस्त 1845 विच गुलाब सिंह ने अपनी ते होर पहाड़ी राजियां दी सेवा अंग्रेजां नू पेश कीती अते सिखां उत्ते हल्ला करन दा वायदा कीता तां कि लाहौर सरकार फौज अते लोकां विच पाटोताड़ हो जाए अते अंग्रेजां दा बिना गोली दागे ही पंजाब ते लाहौर उत्ते कब्जा हो सके। पिछला वायदा लड़ाई तो बाद उसने अखरों अखरी पूरा कर विखाया अते इस दे बदले अंग्रेजां पासों उस गद्दार ने जम्मू ते कश्मीर दा राज इनाम वजों लिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।